तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश में एक बार फिर से खेलों के महाकुंभ का आगाज आज से हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह खेल स्टेडियम में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। इन खेलों में 10 से 82 साल के करीब 50 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। राज्य के प्रत्येक जिले की ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में एक साथ हजारों खिलाड़ियों का मैदान में प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल गया है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण के साथ इन खेलों की शुरुआत की है। 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में 7 खेल स्पर्धाएं प्रस्तावित है। इन खेलों में कुल 58,51,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इसमें ग्रामीण खेलों में 46,12,365 एवं शहरी खेलों में 12,38,267 रजिस्ट्रेशन हुए। इस आयोजन में 11,252 पंचायतों और 535 नगर निकायों में एक साथ ये खेल आरंभ होंगे। आयोजन के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। कबड्डी में बालक बालिका वर्ग, शूटिंग बॉल में बालक वर्ग, टेनिस बॉल क्रिकेट में बालक बालिका वर्ग, टेनिस बॉल क्रिकेट में बालक बालिका वर्ग, खो खो में बालिका वर्ग, वॉलीबॉल में बालक बालिका वर्ग, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर, फुटबॉल में बालक बालिका वर्ग, रस्सा कशी में बालिका वर्ग, बास्केटबॉल में बालक बालिका वर्ग, ग्रामीण प्रतियोगिता, शहरी प्रतियोगिता की तारीख, ग्राम पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं, नगर निकाय 5 अगस्त से 10 अगस्त, ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 17 अगस्त से 22 अगस्त, जिला स्तरीय 1 सितंबर से 6 सितंबर तक, राज्य स्तरीय 15 सितंबर से 18 सितंबर तक। विवरण पुरुष महिला ग्रामीण 26,45,000 पुरुष, 19,67,000 महिलाएं, शहरी 7,59,000 पुरुष, 4,79,000 महिलाएं, कुल 58,51,000। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में फ्रैक्चर है, लेकिन बावजूद इसके वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए व्हील चेयर पर कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रतिभाओं को मंच और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। पिछली बार लगभग 30 लाख लोग थे, इस बार 60 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि 60 लाख लोगों का पंजीकरण और 40% महिलाएं उसके अंदर है। इतना माहौल शानदार बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज आपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी पूनिया, कुश्ती खिलाड़ी अश्विनी विश्नोई, कबड्डी खिलाड़ी जय भगवान, एथलीट नीरज बालोदा, शूटिंग बॉल खिलाड़ी मुस्कान काठेठ और शिरीन खान को खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में नवीनीकरण के बाद तैयार 8 लेन के अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया। मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह उनके उज्जवल भविष्य को दर्शा रहा था। राजस्थान का बच्चा या राजस्थान की बच्ची केवल खेलेगा नहीं, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा, खेलों में भी आगे बढ़ेगा और हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, शिक्षित राजस्थान का निर्माण होगा। जो बजट ग्रामीण खेलों के लिए आपने 40 करोड़ रखा था, उसे 150 करोड़ करने का काम किया। मैं मेरे समस्त खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि 1 लाख थी, उस राशि को बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख कर दिया है। समारोह में महिला कबड्डी का प्रदर्शन मैच भी खेला गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कोर्ट पर पहुंचकर टॉस करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद उपस्थित मंत्रियों ने भी मैच खेला। समारोह में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। राजस्थानी कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान,
राज्य केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, खेल परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित अन्य जन प्रतिनिधि, खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट।